हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एमएस पेंट के एक बेहतरीन ट्रिक के बारे में। ये क्वेश्चन मुझसे राजीव सिंह जी पूछे थे कमेंट करके कि सर, अगर मैंने कोई दूसरा वर्ड टाइप करके पहले से रखा है और मैं एक और वर्ड टाइप कर देता हूँ तो मुझे पहले वाले वर्ड को अगर मूव करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मुझे आप बताइए। तो चलिए, मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही चीज़ बताने वाला हूँ जो राजीव सिंह जी पूछे हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके जस्ट यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट टाइप कर दिया। तो मैंने यहाँ पे ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया वेलकम। और आपको दिखाने के लिए मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं एक टेक्स्ट और यहाँ पे राइट साइड में टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो वर्ड टाइप कर दिया है। अगर आपको किसी भी वर्ड को मूव करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है सेलेक्ट। तो आप यहाँ पे क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपने नाम को ऐसे सिलेक्शन के अंदर लाना है। और सिलेक्शन के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बन गया है। और सिलेक्शन के अंदर जाकर आप इसको डायरेक्ट लेफ्ट का बटन दबाकर आप इसको मूव करा सकते हैं एक दूसरे जगह। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको इंडिया को कराना है तो आप इंडिया के ऊपर सिलेक्शन बनाइए और आप इंडिया को भी यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। ओके, ये रही बात कि जो आप अपना सिंपल पेज है उसके ऊपर मूव कराने का। अगर आपने उसमें कोई कलर डाल दिया तो आप इस टेक्स्ट को कैसे मूव कराएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं इस बैकग्राउंड के अंदर कोई भी कलर डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड कलर डाल दिया है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे दो नाम टाइप करूँ और उसको इस कलर को छोड़कर मैं मूव कराऊँ। इसके लिए आप जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट वाले पे जाकर आप टेक्स्ट अब टाइप करिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया टेक देव अपने चैनल का नाम। इसके बाद नीचे यहाँ पे कोई और नाम टाइप कर दिया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एमएस पेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने बैकग्राउंड के ऊपर कलर लगाकर दो नाम टाइप कर दिया है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ पर जाने के बाद आपको इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको मूव करें तो आप देख सकते हैं जो आपका रेड कलर है वो भी साथ में मूव हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है केवल वो मूव हो तो उसके लिए आपको इसमें एक सेटिंग करना होगा। आपको मैं बताता हूँ कि वो सेटिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर का दो ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे मिलेगा कलर वन और नीचे आपको मिलेगा कलर टू। तो कलर टू में आपको जस्ट क्लिक करना है। इसके बाद आपके बैकग्राउंड में जो भी कलर है आप कलर टू में फिलअप कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये कलर फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद आपको कलर वन पे जाना है। इसके बाद आपको जाना है सेलेक्ट वाले ऑप्शन में और इसमें जाने के बाद आपको अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है फिर से सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन मिलेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ट्रांसपेरेंट ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने टेक्स्ट को मूव करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है ये बिना कलर के मूव हो पा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको एमएस पेंट वाले को मूव कराना है तो आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको डायरेक्टली यहाँ से मूव कर सकते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो राजीव सिंह जी, मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये प्रॉब्लम था ये दूर हो गया होगा। अगर आपको इसी तरह का और भी ट्रिकी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए टेक देव यूट्यूब चैनल।